जय हिंद बंदे मातरम। ऐसे बहुत सारे बंदे मुझे कॉल करते हैं जो ऑलरेडी पहले से फौज में हैं, या फिर जो फौज में नहीं है उनके लिए भी यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक जानकारी होना बहुत आवश्यक है महाराज, ध्यान रखना। ऐसे बंदे जो ऑलरेडी आर्मी में हैं, वो किसी भी ट्रेड में हैं, वो RDO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, कौन सी कंडीशन है, अगर वो स्वस्थ हैं, अगर वो मेडिकल फिट हैं, तभी तो कर सकेंगे। ये मान्य नहीं है कि आप किस किस डिग्री में हैं, लेकिन ये जरूर मान्य है कि आप फिट हैं कि नहीं, इस बात का हमें विशेष गौर से ध्यान रखना चाहिए महाराज। तो बहुत सारे आर्मी के बंदे जो मुझे कॉल करते हैं कि गुरुजी हम P1, P2, P3, P1 मतलब होता है कि सामान है, ठीक है, लेकिन P2 और P3 जो डिग्री होती, कितनी डिग्री होती है मेडिकल की, फिट की, ये बंदे रिजेक्ट होते हैं, अनफिट होते हैं, तो क्या इनको RDO में ले सकते हैं? मान लो कोई काम करते वक्त फौज में जिसकी उंगली कट गई महाराज, किसी की पैर की उंगली कट गई, या हाथ में भुजना फ्रैक्चर हो गया, हड्डी उसकी टूट गई, और जब वो MH में जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में अपना इलाज करने जाता है, तो जब डॉक्टर उसको बोल देता है कि भाई तेरा जो फ्रैक्चर है वो P2 लेवल का है, P3 लेवल का है, इनकी P2 से बड़ा P3 होता है। अगर कोई भी फौज का बंदा जब उसका मेडिकल होता है चोट, किसी भी चोट के दौरान, अगर वो P2 का है या P3 लेवल का मेडिकल है, उसको उसको ये नंबर मिलते हैं, उसको ध्यान रखना, ये उसको एक की डिग्री मिलती है कि तुम इस की डिग्री में हो, तो ऐसा बंदा RDO के लिए अनफिट है, वो फिट नहीं है, वो वहाँ से पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे मुझे कॉल कर रहे थे, गुरु जी हमारी ये की डिग्री है, फौज में है हम ऑलरेडी पहले से, देखो तो P2 P3 यानी कि रिजेक्टेड फॉर RDO। अब कौन जा सकता है जो सेफ बन हो, सेफ मतलब है पूर्ण स्वस्थ हो, जो हमेशा जब भी मेडिकल होता है फौज में आप सेफ बन के अंतर्गत आते हो, तो वहाँ पर आप बिल्कुल फिट हो। P2 P3 का बंदा कमीशन नहीं पा सकता, नहीं मिल सकता, उसको मौके भी नहीं मिलते, संभावना भी। ऐसे बंदे फौज में ज्यादा ऊंचाई नहीं सीख सकते, इनकी सैलरी मिलती रहेगी, हाँ फौज के अंतर्गत कुछ चीज़ों में इनको प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। और सिविल के दौरान अगर इनको कोई बड़ी पोस्ट मिलती है तो उसमें भी ये अनफिट माने जाते हैं, कहने के तात्पर्य है तो रिजेक्ट फॉर यानी कि RDO के लिए क्लियर है कि RDO की भर्ती ये बंदे नहीं दे सकेंगे, कमीशन इनको नहीं मिलेगा। इसमें अगर इनके पास ब्लैक एंट्री है, रेड एंट्री है, यानी कि पे फाइन नॉट एक्सटेबल, यह हम कह सकते हैं, यानी कि ये RDO के लिए नॉट एक्सटेबल, अगर अपनी भाषा में कहें तो वे अन्य प्रमोशन यानी कमीशन के लिए, कमीशन मतलब होता है कि आप किसी भी अन्य ट्रेड में जाना चाहते हो जिसमें आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं, जिसमें ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है और आपको ज़्यादा सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, तो ऐसे बंदे जिनके पास P2 P3 का सर्टिफिकेट है या जिन पर मार्क लगा हुआ है, जो चोट के दौरान ज्यादा गंभीर समस्या से गुजरे हैं, तो ऐसे बंदे RDO के लिए मान नहीं है। तो यह वीडियो उन बंदों के लिए था जो फौज में हैं ऑलरेडी, बेचारे बड़ी मेहनत से फार्म डालते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, अपने अफसरों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर बाद में उनको अनफिट कर दिया जाता है। इसलिए मैं उन बंदों से कहना चाहूँगा P2 P3 वाले बंदे ट्राई ना करें जाना, और अगर कर सकते हैं कोई दूसरा तरीका है तो फिर वो आपको, हमसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी महाराज, आप अपने ऑफिसरों से, अपने मेडिकल से उनसे पूछ सकते हो। लेकिन जहां तक मुझे जो जानकारी मिली है कि ऐसे बंदे अनफिट होते हैं जो कमीशन के लिए महाराज अलाउ नहीं है, मान नहीं है, इनको वहां से परमिशन नहीं मिलती, ऑर्डर नहीं मिलता है इनको, इसलिए ऐसे बंदे थोड़ा सा इंतजार करके अपना वहीं पर जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहें। क्योंकि महाराज क्या होता है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ठीक है प्रभु। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए के डिग्री का कि P2 P3 लेवल के बंदे RDO नहीं बन सकते, अगर बन सकते हैं और कोई अन्य तरीका है तो वो आप अपने सेंटर से जानकारी ले सकते हो, वो हमसे अच्छे से जानकारी दे देंगे। जो भी मैं जानकारी आपको बताता हूँ वो उन्हीं बंदों के अनुभव से बताता हूँ जो ऑलरेडी फौज में हैं, उनसे मैं सलाह लेके वीडियो बनाता हूँ महाराज। वीडियो हमारा पूरा 100% सत्य होता है, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है बोलने में, या फिर मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ, या मैं यहाँ से कोई दावा कर देता हूँ, तो उसकी असत्यता की जांच करने के लिए आप अपने विभाग से संपर्क कर सकते हो। तो यह वीडियो था सभी बंदों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।